हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स नेम इज पास कोचिंग चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रीवियस वीडियो, दैट इज पार्ट वन ऑफ द चैप्टर 10th, द स्ट्रेट लाइन। ऑल्सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द दिस टू बेसिक रूल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और रिजल्ट्स। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, मतलब कभी भी आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन हो, कुछ भी हो सकती है ये L1 L2, कोई दो लाइन पैरेलल है, देन इनकी जो स्लोप है, सपोज इसकी स्लोप M1 है, इसकी स्लोप M2 है, ठीक है ना। मैंने कोई भी दो पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है, इसकी स्लोप M1, इसकी स्लोप M2 है, इसको हम, इन दो लाइंस को अगर पैरेलल है, देन इसकी कंडीशन क्या होगी, देयर स्लोप्स आर इक्वल, मतलब इनकी स्लोप क्या होगी, ऑलवेज इक्वल। तो याद रखना है, कभी आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, इनकी स्लोप्स क्या इक्वल है, M1 इजिकल्स टू M2 है। सिमिलरली कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब अगर कोई दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो परपेंडिकुलर आ जाए, चाहे आपको राइट एंगल लिखा आ जाए, चाहे 90 डिग्री लिखा जाए, इन तीनों का मतलब सेम है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, 90 डिग्री। इफ टू लाइंस जिनकी स्लोप M1 M2 आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, देन इनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 की इक्वल होगी, मतलब M1 M2 इजिकल्स टू -1। पैरेलल में दोनों स्लोप इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हमें जब भी स्लोप निकालनी है तो सबसे पहले दो बातें याद रखनी है, एक तो जो इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब थीटा, मतलब एंगल, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर ये सही है तो इसके स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या किया था फर्स्ट वीडियो में, M = tan θ। फर्स्ट मार्ग में इंक्लाइनेशन गिवन है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो मेरा जो स्लोप है, स्लोप जिसे हम एम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, टैन 60 डिग्री, और टैन 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये हमारी स्लोप आ गई। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में हमारा थीटा कितना गिवन है, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, टैन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आप क्वाड्रेंट ना ड्रॉ कर लो, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अब ये 90 डिग्री प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैंने बोला जब भी 90 डिग्री आ जाए तो पहले टैन को कन्वर्ट करो कोट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, माइनस का, तो माइनस कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 कितना होता है, 1/√3, मतलब स्लोप क्या आ गई मेरी, -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, इसमें भी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। जो लाइन है विच पासेस थ्रू पॉइंट, दो पॉइंट से पास कर रही है, मतलब दो पॉइंट गिवन है, हमने स्लोप करनी है, तो हमने किया था जो स्लोप टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब जब हमें दो पॉइंट से स्लोप फाइंड करनी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, M = y2 - y1 x2 - x1। अब सपोज करो इसको मैं एक पॉइंट, ये मेरा 3 2 है, 3 2 n - 1 5, यहां से मेरा x1 कितना है, 3, y1 कितना है, 2। सिमिलरली यहां से मेरा x2 कितना है, -1, y2 कितना है, 5, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 3, तो मेरी स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4 आ गई। बस जब भी दो पॉइंट गिवन, अपने ये फॉर्मूला लगाना है, इससे आपकी स्लोप क्या है आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पहले जैसे इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, फिर इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनेगी। जैसे मैं आपको रफ में बताती हूँ, जैसे पहला 0 0 पॉइंट है ना, तो ये मैंने 0 0 को ओ मान लिया। 2 3 कैसे होगा, सपोज करो 2 यहाँ पे है और 3 मेरा यहाँ पे, तो ये पॉइंट कुछ ये वाला होगा,
इसको मैं ए, तो इसको ज्वाइन कर दो, मतलब एक तो मेरी ये लाइन होगी। अब भाई दूसरा पॉइंट क्या है, टू माइनस टू, टू ये रहा, सपोज माइनस टू को मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा टू माइनस टू, इसको हम दे देते हैं सी पॉइंट। और थ्री फाइव, थ्री सपोज करो ये है, फाइव मेरा रहा ये, अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये हमने थीटा एंगल फाइंड करना है। मैंने बताया हुआ है, जैसे सबसे पहले लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल जो क्या है इन गिवन लाइंस के बीच में बना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू। अब एम वन एम टू क्या होती है, एम वन है जो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, अब एम वन क्या है, इन दो पॉइंट से जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा टू है, ये वाला एंगल थीटा वन है, ठीक है ना। तो हमने ये निकालना है सबसे पहले स्लोप, स्लोप टू पॉइंट फॉर्म में हमने ये वाला फॉर्मूला कितना है ये वाला यूज करेंगे, वही पहले होता है वाई टू, वाई टू कितना है थ्री, माइनस वाई वन जीरो, फिर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एम वन की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाय टू। सिमिलरली एम टू, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसकी स्लोप निकालनी है, वही वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये कितना आ जाएगा सेवन ओवर वन, मतलब एम टू की वैल्यू सेवन। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, एम वन की वैल्यू हमारी थ्री बाई टू है, एम टू की वैल्यू सेवन है, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम टू इंटू एम वन, प्लस माइनस इसको एलसीएम ले लेते हैं, टू फोर्टीन माइनस थ्री, इसको ना ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, वन प्लस ट्वेंटी सेवन ओवर टू। इसमें मिस्टेक मत करना, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, बाद में आप प्लस लेके एलसीएम लोगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इलेवन ओवर टू, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम टू, तो ये कितना आ जाएगा मेरा टेन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस इलेवन ओवर टू, इसको क्या कर दो उल्टा दो, तो मेरे टेन उधर या कि इनवर्स में ये आ जाएगा मेरा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स क्या आया प्लस माइनस इलेवन ओवर ट्वेंटी थ्री, क्योंकि हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी की ना कि टेन थीटा की, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा, टेन उधर या कि इनवर्स में बन जाएगा, तो इसके आगे टेन इनवर्स लग जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना थीटा क्या है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है यही एंगल हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the value of y so that the line through these two points is parallel to line through these? मतलब पहले इन दो पॉइंट से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे और इन दो पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी वो दोनों लाइन क्या है पैरेलल गिवन है। हमने पैरेलल की कंडीशन की थी ना, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्या होता है दोनों की स्लोप इक्वल होती है। इसका मीनिंग हमें स्लोप निकालनी, सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ इनको पॉइंट को, भी जो ए पॉइंट मेरा थ्री वाई है, बी पॉइंट मेरा टू सेवन है, सी पॉइंट मेरा माइनस वन फोर है, डी पॉइंट मेरा जीरो सिक्स है, ये हमारे गिवन पॉइंट्स हैं। अब एम वन, एम वन कौन सी होगी स्लोप ऑफ द लाइन, पहले दो पॉइंट कौन से है ए बी, तो ए बी की स्लोप निकाल दो, वही फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू सेवन माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो सेवन माइनस वाई ओवर माइनस वन, अगर डिनोमिनेटर में माइनस वन आया आप उसे ऊपर ले जा सकते हो, तो माइनस वन इंटू सेवन माइनस वाई, माइनस वन से हम कर देते हैं प्रोडक्ट, तो माइनस सेवन प्लस वाई, ये आ गया हमारा, इसको वन मार्क कर लेते हैं। अब एम टू निकालते हैं, एम टू हमारा क्या आएगा स्लोप ऑफ लाइन सी डी, सी डी पॉइंट क्या थे हमारे, सी डी थे ये वाले, तो वाई टू हमारा क्या है सिक्स, सिक्स माइनस फोर आ जाएगा,
और एक्स टू हमारा क्या है, जीरो एक्स वन माइनस वन, सिक्स माइनस फोर जीरो प्लस वन, तो एम टू मेरा आ गया टू। फिर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम वन, हमारी कंडीशन क्या थी, दोनों स्लोप्स पैरेलल, पहले स्लोप की वैल्यू कितनी आई माइनस सेवन प्लस वाई, दूसरी स्लोप की वैल्यू टू, वाई इज इक्वल टू सेवन उधर आके प्लस का, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई नाइन। यही हमने क्या था फाइंड करनी थी, ये रहा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला होता परपेंडिकुलर, तो आप कंडीशन कौन सी यूज करते, दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन, तो फिर आप एम वन एम टू की वैल्यू प्रोडक्ट करते, उसको माइनस वन के इक्वल रख के वाई की वैल्यू निकाल देते, वहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। फ्रेंड ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए क्या है, इफ द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, मतलब कोई आपको लाइन दे दे, ठीक है ना, मैंने जैसे एक लाइन ड्रॉ करती ये रही, और आपको बता दे कि आपको तीन पॉइंट दे दिए ए बी सी, जो चार पॉइंट दे दिए, और आपको बोल दे कि इसको प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स है इस लाइन पे लाई करते हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर ही है, इसके बीच है, तब आपने क्या करना है, इफ द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन देन उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में ही है, एक लाइन के ऊपर ही है, तो इसका मतलब आपको लाइन्स को क्या प्रूव करना होता है, पैरेलल, मतलब क्या करोगे, जैसे सपोज करो आपको तीन पॉइंट गिवन है, तो आप पहले ए बी पॉइंट से स्लोप निकालोगे, टू पॉइंट से आपको स्लोप निकालनी आती है, फिर आप बी सी से क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, दोनों की स्लोप पैरेलल है तो इक्वल आएगी, तब आप बोल दोगे पॉइंट्स क्या होगे, कोलिनियर। अगर चार पॉइंट्स की बात कर दे, तो आप क्या करोगे, पहले ए बी की स्लोप, फिर बी सी की स्लोप, फिर सी डी की, या फिर ए बी की निकाल लो या सी डी की निकाल लो, ए बी की स्लोप निकाल लो, सी डी की स्लोप निकाल लो, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो, अगर दोनों की स्लोप इक्वल होगी तो लाइंस पैरेलल, मतलब पॉइंट्स क्या होगे, कोलिनियर। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट को यूज हम कर सकते हैं क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आए तो यूज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी, ये तीन पॉइंट आर किसकी है, व्हाट इज इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैं रफली ये पॉइंट ड्रॉ करूं तो कैसे होंगे, जैसे फोर फोर सपोज करो, ये फोर यहां रहा, ये रहा, फिर क्या थ्री फाइव, ये रहा, फिर क्या माइनस वन वन सपोज करो, ये रहा। अब इसको कनेक्ट कर देते, देखो ये मैंने ए बी सी तीनों पॉइंट रफी ड्रॉ करके ट्रायंगल बन गई, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, बट हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करने की, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्पेशल मेंशन है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने अभी बताया था कभी भी आपको राइट एंगल लिखा जाए, परपेंडिकुलर होता है मीन 90 डिग्री, तब आपने क्या प्रूफ करना होता है कि जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल है, हम वही यूज करेंगे। हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, जो मैं डायग्राम बनाती हूँ ना, ये मैं आपको रफली समझाने के लिए बनाती हूँ, अगर आपको बनानी आती है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं बनानी आती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, इससे आपकी जो कंसेप्ट है ना वो ग्राफिकली ज्यादा क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी, तो पहले इन दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं, तो मैंने एम वन ले ली स्लोप ऑफ ए बी, वो क्या होता है वाई टू माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 ओवर माइनस वन माइनस वन, तो m2 की वैल्यू हम निकालेंगे स्लोप ऑफ, यहां पे ना लाइन लिख लेना, लाइन bc, ab से निकाल लिया bc की निकाल लेते हैं, तो वो क्या जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये आ गया मेरा यहां पे 3 बाय टू। अब देखिए मैंने ए बी की स्लोप भी निकाल ली, बी सी की भी निकाल ली, अब मैं निकाल रही हूं स्लोप ऑफ जो लाइन क्या है सी ए, अब सी ए की क्या आएगी वाई टू माइनस वाई वन, और फिर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आपने सिर्फ दो स्लोप्स लेनी है क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो दो स्लोप्स, बट दो स्लोप कौन सी लेनी है जिनकी प्रोडक्ट करने पे माइनस वन है, अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ नहीं आती, इन दोनों को लेती नहीं, तो मेरी एम वन एम थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन आ रही है, मतलब एम वन एम थ्री माइनस मतलब क्या हुआ, जो मेरी ए बी लाइन है वो सी ए लाइन के परपेंडिकुलर
कूलर है, क्योंकि जो दो लाइन की स्लोप प्रोडक्ट करके माइनस वन आएगी उसको हम बोलेंगे कि मेरी जो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी के। अब दोनों में कॉमन पॉइंट कौन आ रहा है, ए, तो मतलब मेरा जो ए एंगल है वो पाई बाय टू आ गया। अगर ये पाई बाय टू आ गया, हमें पता, अगर एक ट्रायंगल का कोई एंगल पाई बाय टू आ जाए तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमने क्या प्रूफ करना था, जो ये गिवन पॉइंट्स है या वर्टेक्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के है। उसके लिए हमने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं करनी थी, मतलब हम साइड्स का यूज नहीं कर सकते। तो हमें पता है अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है हम स्लोप्स निकाल सकते हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा किसकी स्लोप निकालनी, तो आप सबकी निकालो, ए बी बी सी ए सी। फिर आपने देखना किन दोनों की प्रोडक्ट माइनस वन आ रही है, जैसे मेरी एम वन एम थ्री की आ रही है, तो मतलब ए बी लाइन किसके परपेंडिकुलर हो गया, ए सी के। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए, तो मतलब मेरा ए एंगल 90 डिग्री का हो गया। इट मीन जो तीनों पॉइंट्स है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट ए बी सी डी आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। हमने प्रूफ करने ये चारों पॉइंट्स के स्क्वायर के है। हमें पता है जो स्क्वायर है, मैंने रफली ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स से जो बना है, तो हमने स्क्वायर का प्रूफ करना है। एक तो जो इनकी लेंथ होती है, मतलब चारों साइड्स वो इक्वल प्रूफ करनी है। सेकेंड हमने क्या प्रूफ करना है, जो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब मैंने अभी समझाया था, मतलब परपेंडिकुलर। हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप, इसकी स्लोप, इसको क्या करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब उनकी प्रोडक्ट माइनस वन प्रूफ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्या प्रूफ करना है, जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के क्या है, परपेलर है। ठीक है, और हमने ये प्रूफ करने की हर एंगल 90 डिग्री का है। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं लेंथ निकालनी है, तो ए बी आपको पता है लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। पहले जैसे मैं ए बी की लेंथ निकाल रही हूँ, अब मेरा ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये, एक्स टू कौन सा पॉइंट है, ये रहा सिक्स, माइनस एक्स वन कौन सा पॉइंट है, फोर, वाई टू है फोर, वाई वन है थ्री। इसको सोल्व कर लो तो जो ए बी की वैल्यू आएगी, सिक्स माइनस फोर टू, टू की पावर टू फोर, फोर माइनस थ्री वन, वन की पावर स्क्वायर वन, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट फाइव। सिमिलरली सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैंने सबकी लेंथ निकाल ली, ए बी बी सी सी डी डी, आपको चारों पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, बस आपने ए वाला फॉर्मूला यूज करना है और सबकी वैल्यू क्या हमने निकाल ली। अब देखो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई, ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी डी, सी डी इक्वल डी ए, एक कंडीशन तो ट्रू होगी, चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी। अब हम निकालते हैं एंगल, एंगल मतलब स्लोप्स। चलो हम स्लोप्स निकालते हैं, एम वन एम टू एम थ्री। जैसे एम वन मैंने कौन सी ले ली, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वही फॉर्मूला एक्स टू सॉरी वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। सिमिलरली सब निकाल लेते हैं। अब देखिए मैंने चारों स्लोप निकाल ली, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों की स्लोप निकाल ली। अब पहले मैं चेक करती हूँ किसकी प्रोडक्ट माइनस वन आ रही है, जैसे एम वन एम टू की मैं प्रोडक्ट करूंगी तो ये आ गई माइनस वन, और एम वन किसकी इक्वल है, एम थ्री की इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं एम थ्री को एम फोर से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस वन आ जाएगी, और एम टू किसकी इक्वल है, एम फोर के। अब एम वन एम टू ये दोनों है ना, इनकी कंडीशन क्या, ये प्रोडक्ट करके माइनस वन, मतलब ए बी किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। कंडीशन किसी के परपेंडिकुलर की, दो की प्रोडक्ट करो माइनस वन रहेगी। एम थ्री एम फोर किसकी है, सी डी, मतलब सी डी किसके परपेंडिकुलर है, डी ए के। एम वन एम थ्री के क्या है, इक्वल है, एम वन एम थ्री इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल, तो ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। सिमिलरली एम टू एम फोर इक्वल है, तो मतलब इन दोनों की जो लाइन है M2 M4 की लाइन बी सी डी ई है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स हमारी सभी कंडीशन ट्रू होगी, देयरफॉर ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यही प्रूफ करना था। आपने क्या किया, सबसे पहले लेंथ फाइंड कर ली, सभी की लेंथ इक्वल आ रही थी, फिर मैंने सबकी स्लोप निकाल ली, ए बी बी सी सी डी ई,
चेक की किसकी इक्वल आ रही है और किसकी प्रोडक्ट करके माइनस वन आ रही है, ऐसा पता चल रहा है। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो माइनस वन आएगी। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल वाली जिसकी स्लोप है वो पैरेलल लिख दोगे, प्रोडक्ट करके जिसका माइनस वन आया वो पेंडिकुलर पा दोगे। पेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मतलब ये ए बी किसके पैरेलल आ गई सी डी के, और बी सी किसके पैरेलल आई है डी ए के, ये रही ठीक है ना। और ए बी बी सी जो ए बी बी सी इसके बीच में कितना डिग्री 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सिमिलरली सी डी डी ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा जो गिवन पॉइंट्स है वो किसके है स्क्वायर के पॉइंट्स है। सो फ्रेंड्स अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपने स्लोप फाइंड करनी है, मतलब आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा निकाल के ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये तीन पॉइंट्स आपको लाइज कर रहे हैं लाइन पे, लाइन की कंडीशन बता दी मतलब लीनियर। क्या करोगे पहले ए पी की स्लोप निकालोगे फिर पी बी की, दोनों स्लोप को इक्वल रख दोगे। यहाँ पे क्या गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन वाला जब हमने फॉर्मूला निकालना है किस किस के बिटवीन है, मतलब इन दोनों के लाइन के बिटवीन, एंगल मतलब इन दोनों के लाइन के बीच में आपने स्लोप निकालना है। यहाँ पे भी आप एम इज इक्वल टू टेन थीटा यूज करोगे, और हम पता है दो पॉइंट्स गिवन हो स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है। फाइंड द वैल्यू फैक्ट फॉर विच द पॉइंट्स आर क्लीनियर, तीन पॉइंट्स को लीनियर है, मतलब सेम कंसेप्ट, कोलीनियर मतलब स्लोप इक्वल, पहले इन दोनों से स्लोप निकाल लो फिर इन दोनों से स्लोप निकालो, दोनों को इक्वल रख देना एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है जिसके आपको चार वर्टेक्स गिवन है, शो करना है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, क्या है वो क्वाड्रिलेटर जो है पैरेलोग्राम बना रही है। पहले आप क्या करोगे जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते पता है, जैसे इन दोनों को ऐड करके डिवाइड टू, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड टू, ऐसे आपके पास चार पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी डी। पैरेलोग्राम क्या कहती है, आप स्लोप निकालोगे जैसे ए बी की बी सी सी डी डी ए की, देखने किसकी स्लोप किसके इक्वल आ रही है, आपने फिर प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी एन बी सी पैरेलल डी ए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, पैरेलल मतलब इन दोनों की स्लोप, ए बी की स्लोप निकालोगे सी डी की स्लोप, इन दोनों को इक्वल रखना है। नेक्स्ट में क्या बोला है, इन दोनों पॉइंट से जो इन दोनों पॉइंट से लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, इन दोनों से स्लोप निकालो, इन दोनों से स्लोप निकालो, दोनों के प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल रख दो, फिर आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपने पहले वीडियो वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, मैंने जो भी आपको कंसेप्ट बताए हैं फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।